तो देखिए जो सर ने गेस किया, आंख फाड़ फाड़ के देख लो, केमिस्ट्री देख लो, समझात संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, मैं पीडीएफ भी भेज दूंगा, टेंशन मत लेना। पीतल तांबा, देखो ये अलग सवाल था, पीतल तांबे के बर्तन में दही और खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखना चाहिए। विरंजक चूर ने क्या, मैं गेस क्या था, विरंजक चूर ने क्या, प्लास्टर पेरिस, सोडियम को क्रियाशील तेल में क्यों डुबा कर रखा जाता है, सवाल है। एल्युमिनियम आधुनिक अभिक्रियाशील धातु बनाने के लिए बर्तन के उपयोग क्यों किया जाता है, देखिए एल्युमिनियम बहुत अत्यधिक अभिक्रियाशील है, फिर भी इसको धातु बनाने, बर्तन धातु का बर्तन बनाते क्यों, इसका ले लो स्क्रीनशॉट, इसको जिसके पास व्हाट्सएप नहीं जुड़े हुए हैं टेलीग्राम से वो इसको ले ले सकते हैं, इसको आप ले सकते हैं। ये देखो केमिस्ट्री सवाल है, ऑक्सीजन इथान का मिश्रण में दहन वेल्डिंग करते हैं लेकिन इथाइन और वायु के मिश्रण में नहीं कह करते हैं, समझाती श्रेणी क्या, ले लो साबुन अपमार्जक, हाइड्रोजनीकरण, दिखाया था ना मैं आश्रित जल, ये भी मैं किया था, देख रहे ना आश्रित जल क्या था, ये सवाल अलग था, तत्वों के हाइड्रोजनीकरण विन्यास ले लो, इसको इसको आश्रित जल ले लो पहले, फटाफट ले लिए, फटाफट जल्दी से स्क्रीन शॉट लो, ये देखो गर्म जल, बस मात्र 13 सवाल सर ने गेस किया केमिस्ट्री, ओ माई गॉड ये क्या हो गया यार, ये तो बहुत 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 मतलब अगर आ गया ना तो पता है मतलब कुछ नहीं कह नहीं सकते। ये फिजिक्स है, देखो हम वाहनों के पीछे उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों करते हैं, प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के नियम लिखे, ठीक है। हीरा का प्रतलांक, ये भी मैं गेस किया था, इसका क्या अभिप्राय है। नेत्र की संमंजन क्षमता, ये भी गेस किया था। सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर दूर निकट वस्तु को स्पष्ट क्यों नहीं देख पाता, ये गेस तो नहीं किया था लेकिन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तारे क्यों तीन तीन गेस किया था मैंने। सूर्योदय सूर्यास्त के समय रक्तताप क्यों प्रतीत होता है। आंतरिक यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों दिखाई पड़ता है, ठीक है। देखो ये है आपका, ये क्या बोलते हैं इसको, न्यूमेरिकल 6 वोल्ट बैटरी के, अगर आ गया ना पक्का, मुझे उम्मीद है कि पक्का आएगा एग्जाम में, इसको पढ़ तो लो कम से कम, जो सवाल में गेस किया उसको तो सारा पढ़ लिए, प्लस एक नजर इस पर डाल लो, है ना। अगर नहीं आ जाए तो क्या बात है, अगर आप तो पढ़ ही रहे ना, अगर आ गए तो बस अच्छी बात है। सारा सवाल फ्लेमिंग देखिए वाम हर्ष नियम, ये देखिए जो सवाल नहीं लिखा रहेगा ना आप मुझे कमेंट करेंगे सारा सवाल का आंसर मुझे, मैं बताऊंगा, कोशिश मत कर, कोशिश रहेगी मेरी। और ये देखो लॉन्ग सवाल है, ये लॉन्ग सवाल है, ठीक है, इसको लॉन्ग सवाल समझ लेना, ये जो दिनित लॉन्ग है, जीवाश्म ईंधन की हानियां बताइए, ठीक है। चलिए ये हो गया फिजिक्स, ओ माई गॉड मात्र फिजिक्स में 19 सवाल, भू संपर्क तार क्या, विद्युत शक्ति क्या, जीवाश्म ईंधन, मात्र 19 सवाल। और ये पता है इसमें कुछ कुछ लॉन्ग वाले सवाल है, देख लेना कौन लॉन्ग सवाल है। बायोलॉजी देखो, स्व पोषण विषम पोषी पोषण में क्या अंतर है, देख रहे हैं ना, पाचन एंजाइम के क्या कार्य, मनुष्य में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का परिवहन कैसे होता है, ये है। जाइलम और फ्लोएम में क्या अंतर है, वायवीय और अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है, धमनी शिरा में क्या अंतर है, बहुत महत्वपूर्ण है। मनुष्य में दोहरा परिसंचरण तंत्र की क्या व्याख्या करना है आपको, प्रतिवर्ती क्रिया और टहलने में क्या अंतर है, यार आ गया तो पता बल्ले बल्ले हो जाएगा। देखो यहाँ पे 9 नंबर सवाल, जब एड्रेनलिन रुधिर से स्रावित होता है तो हमारे शरीर में क्या अभिक्रिया होती है, क्या आयोडीन युक्त नमक खाने क्यों सलाह दिया था, ऋतुस्राव, ये भी मैं गेस किया था आपको। ओजोन क्या है, अपने घरों को पर्यावरण मित्र बनाने के लिए कौन कौन से पर्यावरण का सुधार करेंगे, चलिए ओहो सिर्फ 14 सवाल यहाँ पे।